हाँ जी, सत श्री अकाल भाई जी, कैसे हैं आप सभी। आज की भाई वीडियो मैं एक ना क्विक वीडियो बनाऊंगा, कि इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि जो न्यूजीलैंड में आईआरडी नंबर है कि वो कैसे अप्लाई करते हैं। आईआरडी नंबर जैसे इंडिया में अपना पैन कार्ड होता है ना, कि टैक्स भरने के लिए कोई हमें एक नंबर मिलता है, तो न्यूजीलैंड में भी इसे आईआरडी नंबर कहते हैं। तो जब आप यहाँ पे एक वर्क वीज़ा मिल जाता है आपको या स्टूडेंट वीज़ा व्हाटएवर, यानी कि जब आपको कहीं पे काम करना है तो काम करने के लिए आपको एक टैक्स नंबर चाहिए होता है, जो टैक्स नंबर आप अपने एम्प्लॉयर को देते हैं तो आपका एम्प्लॉयर उस टैक्स नंबर पे टैक्स उतारता है आपका, है ना। तो वो इस वीडियो का आइडिया इसलिए आया यार, क्योंकि कल ही मैं अपनी वाइफ का जो आईआरडी नंबर हम अप्लाई करके आए हैं तो वो अप्लाई किया था, उसमें हमें 2-3 डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे थे। वैसे तो ईजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो टू द न्यूजीलैंड पोस्ट फॉर अप्लाई आईआरडी, वो आपको एक फॉर्म दे देंगे कि भाई अपना फॉर्म भर दो, और उस फॉर्म के साथ वो क्या क्या मांगते हैं, एक तो होता है आपका न्यूजीलैंड बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, उसमें डिपॉजिट एंड विड्रॉ वो ट्रांजैक्शन देखते हैं, ठीक है। दूसरी उसके ऊपर आपका एड्रेस होना चाहिए कि आप कहाँ पे रहते हो, और उसके ऊपर बैंक की स्टैंप लगी होनी चाहिए, ठीक है, न्यूजीलैंड का जो कोई भी बैंक है। अगर आप ऐसे ही अपने फ़ोन से स्टेटमेंट निकालते तो उसके ऊपर, क्योंकि स्टैंप नहीं होती है ना, तो अगर आप बैंक की ब्रांच में जाके अपनी यानी कि जो उसकी स्टेटमेंट है वो निकलवाते हो, उनको कह देते हो कि भाई कि मैंने ये आईआरडी के लिए यूज़ करना है, तो वो अब उसके ऊपर अपने बैंक की स्टैंप लगा देते हैं। जैसे आज आपने निकलवाई तो आज की डेट की स्टैंप लगा देंगे और सिग्नेचर कर देंगे, तो वो एक प्रूफ बन जाता है आपका। और आपको चाहिए होता है अपना पासपोर्ट लेके जाइए साथ में, और एक जो आपके वीज़े का प्रूफ है, ठीक है, प्रूफ ऑफ वीज़ा, या जैसे कई लोगों के पास ई वीज़ा होता है ना, उनके पास ईमेल आई होती है, उसका एक फ़ोटो कॉपी निकाल के ले जाइए। तो ये 2-3 चीज़ें हैं भाई आपको साथ में लेके जानी। हाँ, दूसरी इसमें जो फॉर्म है ना, उसमें एक होता है भाई ऑप्शन कि अपना जो प्रीवियस आपका टैक्स नंबर है वो दीजिए। प्रीवियस मतलब जैसे इंडिया में हमारा पैन कार्ड है ना, वो उसका नंबर ही मांगते हैं वो, तो मेक श्योर कि आप उसकी फ़ोटो खींच के ले जाएँ, या अगर आपके पास नहीं है तो आप उसमें लिख सकते हैं कि मेरे पास कोई प्रीवियस मेरा टैक्स नंबर नहीं है। अगर है तो उसकी एक फ़ोटो खींच के अपने साथ ले जाइए, क्योंकि वो आपका नंबर भरना होता है वहाँ पे। और बस यही कुछ चाहिए होता है भाई, एक आपकी पासपोर्ट, बैंक अकाउंट, होम एड्रेस यानी कि जो बैंक स्टेटमेंट है उसी के ऊपर होता है सारा, और आपकी होगी भाई वीज़े का प्रूफ, और बस यही है, यही चीज़ें चाहिए होती हैं भाई आपको, 2-3 चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वहाँ पे जाइए, फॉर्म लीजिए और फॉर्म को भरिए, उस पर सिग्नेचर होते हैं वो करके सबमिट कर दीजिए, फ्री होता है ये। NZ पोस्ट में से आप ये कर सकते हैं किसी पोस्ट ऑफिस पे, वहाँ पे तो वो आपकी सारी डिटेल कंप्यूटर में डाल के आपको एक रिसीट दे देंगे, ले भाई, क्योंकि हमारा अभी आया नहीं है आईडी नंबर। वैसे तो वो कह रहे थे कि 2 या 4 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। हाँ, ऐसे भाई हमने अपना अप्लाई किया था आईआरडी नंबर, तो शायद मैंने सोचा कि शायद आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव हो वीडियो, तो इसलिए मैंने बनाई थी। वैसे इसको आईआरडी कहते हैं, इलैंड रेवेन्यू नंबर कुछ ऐसा कहते हैं, यानी कि टैक्स नंबर होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू गो फाइंड अ जॉब, यू नो, सो इसके बिना भी आपको जॉब नहीं देते लोग, क्योंकि वो आस्क यू करते हैं इसके बारे में, पूछते हैं इसके बारे में कि भाई आपका आईआरडी नंबर क्या है, क्योंकि अगर आप अंडर टेबल काम कर रहे हो यानी कि इलीगली काम कर रहे हो फिर तो कोई चक्कर नहीं है, बट मैं कभी किसी को प्रेफर नहीं करता ऐसे इलीगल काम करने के लिए। तो हमेशा भाई अपना जो ऑन द बुक है ना, यानी कि रूल्स के हिसाब से चलना चाहिए बंदे को, वो बढ़िया जाता है। तो एक वैलिड वीज़ा और आईआरडी नंबर दे मस्ट हैं, अपना आईआरडी नंबर जरूर अप्लाई करें जैसे ही आपका, क्योंकि जब आप स्टूडेंट वीज़े पे आते हो, क्योंकि उस टाइम तो आपके पास वीज़ा होता ही है ना, तो सबसे पहला स्टेप होता है बैंक ओपन अकाउंट ओपन करवाने का, उसके बाद अपना आईआरडी, उसके बाद बाकी काम। तो ये काम भाई ज़रूरी है, ये ऐसे हो जाता है, इजी है वैसे करना। ये वीडियो बस तो इसलिए बनाई थी कि कई लोगों को पता नहीं होता क्या क्या लेके जाना है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे ऐसे ही चल जाओगे न्यूजीलैंड पोस्ट में, फिर वो कहेंगे आपको कि भाई जाओ पहले हमें स्टेटमेंट ला के दो, ये वो फलाना, तो आप पहले ये डॉक्यूमेंट रेडी करके लेके जाएँ,
अपना बैंक अकाउंट एंड पासपोर्ट और प्रूफ ऑफ वर्क वीज़ा और वट एवर स्टूडेंट वीज़ा वट एवर यू हैव। तो ऐसे भाई आप अपना IRD नंबर अप्लाई कर सकते हैं, इसे टैक्स नंबर कहते हैं न्यूजीलैंड में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, थैंक यू वेरी मच। इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है क्योंकि मैं सिर्फ ऑन द टॉपिक बात करना चाहता था आपके पास साथ। थैंक यू वेरी मच, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।